जहां आज खत्म हो रही है मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड। मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने एमपीएमएलए कोर्ट में पेश कर फिर मांगी रिमांड। ईडी की पूछताछ में हाथ लगे कई बड़े सबूत। सूत्रों के हवाले से मिली बड़ी जानकारी। बता दें आपको, टेंडर घोटाले में अरेस्ट किए गए हैं मंत्री आलमगीर आलम। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से मिले थे 35 करोड़ रुपए। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां ईडी ने पीएमएल कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, आज मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड खत्म हो रही है, और इस पूरे खबर को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? उत्कर्ष, सूरज माफ कीजिएगा। और देखिए, जो रिमांड है वो आज खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर पहले आलमगीर आलम को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश कर दिया गया है, और ईडी की तरफ से एक बार फिर 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई है। लेकिन इस मामले को लेकर, यानी उस रिमांड की मांग को लेकर, जो आलमगीर आलम के जो वकील है उन्होंने विरोध किया है। उनका कहना कि ये बहुत लंबी रिमांड की मांग है, इसे कम किया जाए। हालांकि देखिए, 7 दिनों की रिमांड की मांग ईडी ने किया है फिर से पूछताछ के लिए। अब ये देखना कि फिलहाल कोर्ट और कितने दिनों की पूछताछ के लिए रिमांड देती है, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि 7 दिनों की इस पूछताछ के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगे हैं, और जो लेन देन की जो डायरियां हैं वो बरामद हुई है, और उसमें एक कोडवर्ड जनरेट की गई थी। उस कोडवर्ड के तहत पैसे की लेन देन की बात हुआ करती थी, यानी वो कोडवर्ड थी एम। एम का मतलब होती है मिनिस्टर, एम का मतलब होता है मंत्री। तो ये कोडवर्ड को लेकर ऐसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां उस डायरी में साझा की गई थी, और वो डायरियां ईडी को हाथ लगे हैं, और वो डायरी फिलहाल कोर्ट को सपूत कर दी गई है, यानी कोर्ट को दे दी गई है। और इसी मामले को लेकर अब जांच पड़ताल में ईडी जुट गई है कि आखिरकार उस डायरी में जितने लोगों का नाम है वो व्यक्ति कौन है। हालांकि देखिए, इस तमाम मामले में मनीष और एक उमेश, ये दो शख्स की नाम ज़्यादा चर्चा है, और अभी ईडी उन दोनों शख्स की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। हाँ बिल्कुल सूरज, अब ऐसे में क्या लगता है कि ये जांच की आज और किन किन मंत्रियों तक पहुंचेगी? सूरज, देखिए फिलहाल जैसा हमने बताया कि उस मामले को लेकर ऐसे कई आईएएस अधिकारी भी कहीं ना कहीं सिकंजा में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अब तक जो जानकारियां हाथ लगी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और आपने देखा कि 14 दिन के रिमांड पर आलमगीर आलम के ओएसजी संजीव लाल, और इसके अलावा संजीव लाल के जो घरेलू नौकर है उसकी रिमांड पूरी हो गई। 14 दिनों के पूछताछ के दौरान कई जानकारियाँ ईडी को हाथ लगे हैं, और जब उनकी रिमांड पूरी हुई तो उन्हें फिलहाल रांची को होटवार जेल भेज दिया गया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आलमगीर आलम। अब आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ होने की और संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन अब यह देखना कि आलमगीर आलम को आखिरकार ईडी और कितने दिनों की रिमांड देती है पूछताछ के लिए। सूरज, अब ऐसे में आपने जिक्र किया कोडवर्ड का, जो जिक्र किया जाता था लेन देन के लिए, तो इसके बाद यह सब चीजें जो है दस्तावेज में निकल कर सामने आई है, और इसके बाद क्या लगता है, क्या इनकी मुश्किलें, आलमगीर आलम की मुश्किलें जो है इसके बाद और बढ़ती हुई नजर आ रही है? सूरज, देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि जो अभी फिलहाल जो लेन देन की जो डायरियां बरामद हुई है उसमें कई नामों का जिक्र है, और उस जिक्र को लेकर अब ईडी खंगालने में जुटी हुई है। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइस आलमगीर आलम के जो बरामद हुए हैं उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां और हाथ लगे। इसके अलावा एक्सेल सीट बरामद हुए, उस एक्सेल सीट में कौन ठेकेदार को किस काम के लिए कितने पैसे कमीशन आलमगीर आलम को दिए हैं, उन तमाम चीज़ों की जिक्र है। जैसे अगर हम सड़क की बात करें तो किसी अगर ठेकेदार को अगर सड़क का काम अगर विभाग के तरफ से दिए गए हैं तो उस विभाग को कितने पैसे दिए हैं वो भी एक्सेल सीट में तमाम चीज़ें लिखे गए हैं। यानी बिल्डर हो या फिर आईएएस अधिकारी हो या फिर बीच के जो दलाल हो, ऐसे कई लोगों का उस पर जिक्र है, और उन तमाम चीज़ों को लेकर अब ईडी खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ईडी को एक महत्वपूर्ण जानकारियां लगी है, एक महत्वपूर्ण लेन देन की जो डायरियां हैं वो हाथ लगी है, और उस महत्वपूर्ण डायरियों को अब ईडी खंगालने में लगी हुई है। अगर सख्ती से अगर ईडी कार्रवाई करती है, अगर जांच पड़ताल करती है, तो ऐसे कई लोग और भी ईडी के गिरफ्त में आ सकते हैं।
हाँ, अब ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका। और बता दें आपको, मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए मिले थे और इसी में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी। पूरे मामले को लेकर ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया और रिमांड भी मांगी थी और आज पीएमएलए कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम की पेशी हुई। और आगे देखते हैं कि मंत्री आलमगीर आलम की जो मुश्किलें हैं और कितनी बढ़ेगी।